सो यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि गाइज आप सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ गाइज मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर दोस्तों एक टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। गाइज आई होप कि आप सब लोग गाइज यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो गाइज पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा था कि भाई डगन बॉस ने मुझे यहाँ पर अपना साथी बना लिया, अपना राइट हैंड दोस्तों बना लिया। बट डगन बॉस ने मुझे यहाँ पर पहला काम दिया था दोस्तों, और पहला काम ये था कि मुझे यहाँ पर अंडर वाटर माफिया का दोस्तों पता लगाना है, आजकल अंडर वाटर माफिया कहाँ पर है। उसके लिए गाइज मैंने यहाँ पर लमार को भी बोला है, ठीक है। लमार मुझे आज उसके घर पर लेकर जाने वाला है और हम उसके घर पर जाकर तलाशी लेंगे और देखेंगे क्या वहाँ पर अंडर वाटर माफिया है या नहीं, क्योंकि अभी लेसर तो उसका पता लगा रहा है। बट ये कह रहा है लमार, मेरे को कह रहा था कि एक बार तो उसके घर पर भी चलकर देख ले। बाकी दोस्तों मुझे उसका घर नहीं पता था, लमार को अंडर वाटर माफिया का घर पता है, इसलिए लमार जो आज यहाँ पर आया, ठीक है ना। बाकी पीछे आप हेलीकॉप्टर देख पा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों डगन बॉस की तरफ से एक गिफ्ट आया दोस्तों, जो कि यहाँ पर है प्योर गोल्ड मिनी गन। आप सभी यहाँ पर दोस्तों पीछे देख पा रहे हो, ठीक है। बाकी मैंने सोचा है ब्लॉग स्टार्ट करने का दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है। इस वीडियो पर हम लाइक एम करते हैं दोस्तों पूरे के पूरे 8000 लाइक्स का। आई होप कि मेरे जिगर के चलो आप छोटा सा ये लाइक एम 8000 लाइक का कंप्लीट करवा ही दोगे भाई लोग, कंप्लीट करवा देना प्लीज़, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों लमार है, एक बार मैं लमार से बातचीत कर लेता हूँ। फिर सबसे पहले मुझे एक बार यहाँ पर लेस्टर के पास भी जाना पड़ेगा, लेस्टर ने भी मुझे यहाँ पर बुला रखा है। वो अपनी यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री के अंदर है तो उसने मुझे बुलाया था, मुझे उससे भी मिलने जाना है। उसने कहा है शायद उसको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली होगी या फिर आई डोंट नो क्यों बुला रखा है, क्यों नहीं बुला रहा, ठीक है ना। बाकी यार लमार तू बता एक बार कि जो अंडर वाटर माफिया है वो हमें कहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर तो आसपास तो कोई भी नहीं मिलेगा, वो कहीं भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम पहले वो लॉस सैंटोस छोड़ के भाग गया था। ये शायद तो हमें लिबर्टी सिटी जाना पड़ेगा या फिर पता नहीं क्या, या फिर क्या पता अपने घर पर ही हो। वो लमार का ये कहना है भाई। लमार तू बता तेरा इस बारे में क्या कहना है। अरे अरे कलवा दादा इतना काहे बोलते हो बे। अबे हाँ मुझे पता है कि जो अंडर वाटर माफिया है ना वो ससुरा आजकल जो है, पहले तो ऐसा होता था, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अबे यहाँ का जो वो बॉस है ना डगन बॉस, पहले एक बार उससे फाइट हुई उसकी, फिर एक बार एल रूबियो से हुई थी, इसलिए वो यहाँ से भाग गया है, ठीक है। बस क्या पता वो अपने बेस में यहाँ पर हो। अंडर वाटर जो माफिया है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मैंने सुना है कि वो वापस आ चुका है लॉस सैंटोस में, तभी तो डगन बॉस ने यहाँ पर उसका पता लगाने को तुझे बोला है। भूतनी के तू पागल है, समझ गया, लोगों को फालतू में बोल रहा है कि वो भाग गया था। वो कहीं नहीं भागा है, वो यहीं पर है और वो अपने घर पर ही होगा मेरे ख्याल से तो। और पागल है तूने लेस्टर को यहाँ पर बोला कि उसको ढूंढ कर दे। अबे लेस्टर को खुद नहीं पता है कि अंडर वाटर माफिया कहाँ पर होगा, तुझे क्या ढूंढ कर देगा। मेरी मान तो हम चलते हैं उसके घर पर और वहीं पर जाकर उसको धड़ लेते हैं। खैर हम दोनों तो नहीं धर पाएंगे, हमें यहाँ पर थोड़ा बड़ा सेटअप करना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, तभी यहाँ पर हम कुछ कर पाएंगे। आहा मजा आ गया। ऑलराइट गाइस तो यार यहाँ पर आपने देखा कि लमार गाइस क्या कह रहा है। बट यार लमार मेरी बात सुन, लेस्टर को यार गाइस हर चीज़ का यहाँ पर पता होता है कि वो बंदा कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। बट यार ये लमार का ये कहना है कि वो भागा नहीं था। सॉरी गाइस मुझे नहीं पता था कि अंडर वाटर माफिया लॉस सैंटोस से भागा था या नहीं भागा था। मैं जस्ट जो लोगों ने मुझे बातें बताई हैं मैं वो ही बातें आपको बता रहा हूँ। बट यहाँ पर जो लमार है इसका कहना है कि अंडर वाटर माफिया भागा नहीं है, वो गाइस यहीं पर है और पहले वो गया था लिबर्टी सिटी, आई डोंट नो किसी काम वाम से गया होगा, बट दोस्तों अब यहाँ पर वापस आ चुका है। तो लमार भाई आ जाए, फिर चलते हैं सबसे पहले तो लेस्टर के पास चलते हैं, क्योंकि लेस्टर ने मुझे यार यहाँ पर बुला रखा है। बाकी ये वाला जो गन रखी है ना दोस्तों मैं इसको हेलीकॉप्टर में रखवाता हूँ और अपने घर पर पहुँचवा देता हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर में हमारा पायलट है दोस्तों पहुँचा देगा, ठीक है ना। चल आजा भाई चल रहे हैं, एक बार पहले लेस्टर के पास चलते हैं, अगर लेस्टर को कुछ नहीं पता चला फिर हम उसके घर पर जाएंगे और वहाँ पर चेकआउट करेंगे एक बार। चल के तू बता इस बारे में तेरा क्या कहना है। वैसे हमें वहीं पर चलना चाहिए यार, यहाँ पर वैसे भी हमें कुछ मिलने नहीं वाला है, मेरे हिसाब से तो हमें वहीं पर चलना चाहिए। बाकी तू बता दे। अरे यार तू यहाँ पर बिल्कुल ही पागलों वाली बातें करता है साला, मेरी बेइज्जती करवा रहा है तू लोगों के बीच में। अबे मैं कह रहा हूँ ना तेरे को अंडर वाटर माफिया जो है वो अपने घर पर ही होगा या फिर मैं तेरे को बताऊँ, और लेस्टर के पास हम नहीं जाते हैं, समझ गया। तू पागल हो गया क्या, उस लंगड़े के पास जाएगा, मैं किस लिए हूँ, मैं तेरे काम आऊंगा, मेरी बात सुन तू, ठीक है। वो जो सारी बातें है यहाँ पर माइकल दादा को बताता है, और तुझे यहाँ पर पता है जो माइकल दादा है इस टाइम लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है बेटा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अगर उसने सुन लिया कि फ्रैंकलिन ऐसे ऐसे काम कर रहा है, अंडर वाटर माफिया को ढूंढ रहा है, ये कर रहा है, समझ गया तू, तो मेरी बात मान, तो हम सीधा यहाँ पर उसके घर पर ही चलते हैं अंडर वाटर माफिया के, और हम वहाँ पर नहीं जाते हैं लेस्टर के पास, ठीक है। बाकी गनवन तू भिजवा दे,
और चल अपनी गाड़ी मोड़, हम यहाँ से निकलते हैं। अब तो मेरी ये सिगरेट भी खत्म हो गई। चल बेटा मोड़ ले गाड़ी, ठीक है? हम सीधा वहीं पर चलते हैं, उधर जाने का कोई फायदा नहीं है। चल आ जा, बता जल्दी, बोल क्या करने का तेरे को, चल जल्दी। ऑलराइट गाइस, तो यार यहाँ पर भाई जो लमार है इसका कुछ अलग ही कहना है कि हम यहाँ पर भाई लेस्टर के पास नहीं जाते। पर दोस्तों देखो, यहाँ पर पहले मैंने काम करने के लिए भाई लेस्टर को ही बोला था, तो अगर अब मैं उसके पास नहीं गया तो भाई वो बुरा मान जाएगा मेरी बात का, ठीक है ना? बाकी यार मैंने इस पायलट को बोल दिया, ये जो भाई इसको तो ले ही जाएगा, ठीक है? आ जाओ, चलो गाड़ी में बैठ तू लमार, बेटा तू गाड़ी में बैठ, वो गन लेकर चला जाएगा। हम निकलते हैं सबसे पहले यहाँ से, और तू ना फालतू मत बोला, अगर मुझे पता है ना वो काम कर देगा। चलो बाकी मुझे इस गाड़ी को निकालने के लिए यहाँ से निकालनी चाहिए ना इस गाड़ी को, यहाँ से नीचे से पार्किंग है दोस्तों, यहाँ से निकल जाते हैं और फटाफट हम यहाँ पर ना भाई लेस्टर के पास चलते हैं। दोस्तों मुझे पता है भाई लेस्टर अपना बंदा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अपने, ठीक है? बाकी यार ये तो बेवकूफ़ है, अगर मैं इसकी यहाँ पर बातों में आऊँगा ना भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं करने देगा मुझे, समझ गए तुम लोग? मुझे सबसे पहले यहाँ पर भाई लेस्टर के पास चलना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको बहुत टाइम पहले बोल दिया था कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर काम तेरे कंप्लीट करना है, ठीक है ना? अब भाई थार तो यहाँ पर हमने डगर बॉस ने दी है, देख रहे हो भाई कितनी मस्त थार लग रही है ना अभी। गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पर जो भाई लेस्टर के पास जाने वाला हूँ, और लेस्टर के पास गाइस मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई लेस्टर एक बंदा है जो कि हमें पता लगवा कर दे सकता है कि वो गाड़ी, सॉरी जो आई मीन यहाँ पर अंडर वाटर माफिया है, वो आजकल दोस्तों कहाँ पर है। उसने कुछ ट्रेस वगैरह भी किया है तभी तो भाई वो मुझे यहाँ पर सुबह से फ़ोन पे फ़ोन करके दोस्तों बुलाया जा रहा है, वरना अगर यहाँ पर जो सॉरी लेस्टर को कुछ पता ना चलता तो भाई वो बुलाता ही क्यों? आप सभी लोग खुद भी सोचो। अगले वाला मोड़ होने वाला है लेस्टर की दुकान का। चलो भाई हमें फटाफट दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लेस्टर के वहीं पर चलना चाहिए, ठीक है ना? ये तो बेवकूफ़ है, इससे बात करने में कोई फल नहीं है। चलो हम जल्दी चलते हैं दोस्तों। तो ऑलराइट गाइस, हम यहाँ पर जो है पहुँच गए हैं, और मैं अपनी गाड़ी को जो है यहीं पर बाहर ही लगा देता हूँ। बढ़िया, चलिए। हाँ भाई आजा, चल ऊपर बेटे आजा, मेरे बेटे आजा, तू बहुत ही ज़्यादा बोलने लग गया है, तेरी जबान काटनी पड़ेगी बेटे। चलो तो चलिए गाइस, अब हम ऊपर चलते हैं यहाँ पर लेस्टर के पास और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लेस्टर वगैरह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। चलो आ जाओ लेस्टर। बाकी फ्रैंकलिन तो यहाँ पर खुद वो है, तो मेरी बातों पर यकीन करेगा या फिर अपने इस घोचू दोस्त की बातों पर यकीन करेगा, ठीक है? देख मेरी बात सुन, मैंने यहाँ पर जो अंडर वाटर माफिया है इसके जितनी भी लोकेशंस थी, ये कहाँ पर जाता है कहाँ पर नहीं जाता, मैंने हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी है, ठीक है? अब नज़र रखने से मुझे ये पता चला है कि जो अंडर वाटर माफिया है उसने ट्रांजैक्शन करी है, पहले तो वो यहाँ से गया लिबर्टी सिटी, फिर वो वहाँ से गया वाइस सिटी, और वाइस सिटी जाने के बाद जो अंडर वाटर माफिया है वो गया एक बार यहाँ पर नॉर्थ यंगटन। अब तुझे यहाँ पर पता होगा नॉर्थ यंगटन में एक डगन बॉस का वो है, क्या कहते हैं, बैंक है, जहाँ पर शायद तू और ट्रेवर गए थे, तूने मुझे बताया था, एक एक लोकेशन उसकी वहाँ से मिली है, ठीक है? उसके बाद उसकी लोकेशन अननाउन हो गई, पर रात को 12 बजे के बाद एक बार उसने पता नहीं किसी से बात करी थी और वो बात हुई है यहाँ पर लॉस सैंटोस की, लोकेशन बता रहा है। अब देख वो जो अंडर वाटर माफिया है वो है वो लॉस सैंटोस के अंदर ही, तू एक काम कर, एक बार उसके घर पर जाकर चेक कर, क्या पता वो अपने घर पर ही हो या फिर क्या पता कहाँ पर हो। खैर मुझे लॉस सैंटोस में ही लग रहा है कि अंडर वाटर माफिया लॉस सैंटोस में ही है। यार लेस्टर मेरे भाई बात तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो गाइज यार यहाँ पर आपने देखा भाई लेस्टर जो कह रहा है, तो उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब लेस्टर ने देखो भाई अपनी हैकिंग से हर जगह से पता कर लिया कि अंडर वाटर माफिया दोस्तों कहाँ पर गया कहाँ पर नहीं गया, लेस्टर को दोस्तों हर चीज़ का पता होता है, ठीक है ना? तो इसने हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा पैनी बाज की नज़र रखी और इसने दोस्तों यहाँ पर पता किया। बट गाइज यार मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना लॉस सैंटोस दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा, ये देखो लॉस सैंटोस, सॉरी ये तो भाई इसके दुकान का मैप है जो भी इसके यहाँ पर ये फैक्ट्री है। तो गाइज अंडर वाटर माफिया जो है भाई बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग का है और बहुत ज़्यादा अमीर भी है दोस्तों, उसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो भाई उसने तो क्या पता कौन कौन से सीक्रेट लोकेशन गाइज यहाँ पर बना रखी होगी। बट दोस्तों यहाँ पर लेस्टर का भी यही कहना है कि जा तू एक बार वहीं पर जाकर जो है देख ले जो उसका घर वर होने वाला है, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद उसने लॉस सैंटोस में किसी से बात की है और बात करने के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो लॉस सैंटोस में ही है। तो गाइस यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ यार। बस मैंने क्या बोला था,
अब कंफ्यूज नहीं होगा तो और क्या होगा, ससुर का नाती। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि भाई जल चल चल उसके घर पर जाकर देखता है, मुझे लग रहा है कि अंडर वाटर माफिया यही है। अबे तुझे तो पर इस गंजे के पास आना था यार, मैं इस गंजे से घबराता नहीं हूँ। देख मैं इसको इसके सामने इसका गंजा बोलता हूँ, ओए टकले। बाकी अबे फ्रैंकलिन तू इतना समझदार लड़का है और तेरे पास इतना समझदार तेरा कालिया दोस्त है। देख तू भी कालिया मैं भी कालिया, अपन दोनों कालिया। कल मुझे एक लड़की कालिया बोलकर चली गई। तेरे पास कोई क्रीम है क्या मेरे को देना रे बाबा, मेरे को भी गोरा होने का है। अपनी नताशा से पूछना, बाकी वो नताशा का क्या मैटर हुआ, उस नताशा का अभी भी उस बंदे के साथ लफड़ा चल रहा है ना, मेरे को तो पहले से ही पता था। बाकी बात सुन, हम दोनों उसके घर पर ही चलते हैं। इस गंजे के बस की क्या थी, देख इसने बोल दिया ना तेरे को, जा उसके घर पर देख कर आ। चल जल्दी से चलते हैं। आया बड़ा लेस्टर। क्या है ये लेस्टर, साले को कुछ नहीं पता इस लेस्टर को, तेरे से इससे ज्यादा तो मेरे अंदर दिमाग है। चला जा, चल रहे हैं, जल्दी चल। बोल लिया जितना बोलना था, या फिर कालिया और भी कुछ बोलने के लिए यहाँ पर तेरे बाकी रह गया है। समझ गया, कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा था, फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, तू इस कालिए को बोल दे, अगर ये पहले बोल रहा था उसके घर पर जाने को तो मेरे पास क्या अचार लेना है। आया बड़ा, अबे मैंने यहाँ पर पूरे सबूत के मुताबिक बता रहा हूँ मैं इसको, मैंने हर चीज यहाँ पर वो करी है, ट्रैक करा, हर चीज करा। अब फ्रैंकलिन तेरे को अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तू अपने ऐसे ऐसे काम मुझे मत दिया कर। बाकी 20,000 रुपये जो तूने कल दिए थे ना, वो तेरे को वापस तो मिलने नहीं वाले हैं। जो तेरा काम था वो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब तू जा, चला जा अपने इस कालिए से दोस्त को लेकर, वरना मेरे से पिट पुट जाएगा। ऐसा ले जा इसको। आया बड़ा, ज्यादा ही बोलता रहता है यहाँ पर, मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ क्या? आया बड़ा, मेरे से ज्यादा दिमाग है क्या इसके अंदर, ये ज्यादा ही बोले जा रहा है। काली सी शकल वाला आ गया यहाँ पर। ऐसे ऐसे बंदों को मेरे ऑफिस पे मत लेकर आया कर, मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ, मुझे ऐसे बंदों से बहुत गुस्सा आता है। जल ले जा इसको मेरी नजरों के सामने से, हटा दे इसको, जल ले जा। अरे यार लेस्टर भाई, शांत हो जाओ। भाई लमार तू भी शांत हो जा, बोलियो मत, ठीक है? कोई बात नहीं यार लेस्टर, 20,000 रुपये जो भाई मैंने तुझे दिए थे तू ही रख, मैं तुझसे 20,000 रुपये नहीं मांगना है मेरे यार। 20,000 रुपये तेरे ही हैं, तेरा हक है भाई, तू रख, ठीक है? बाकी मैं जा रहा हूँ एक बार उसके घर और वहाँ पर जाकर मुआयना करके आता हूँ, ठीक है? बट दोस्तों हम ऐसे कपड़ों में नहीं जा सकते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे भीस बदलना पड़ेगा या फिर कुछ भी करना पड़ेगा, वो तो चलो हम बाहर देख लेंगे, ठीक है भाई लेस्टर? चल मैं मिलता हूँ फिर तुझसे, आ जा भाई लमार, फालतू मत बोलियो उसके सामने, आ जा भाई। यार दोस्त अभी दोनों की लड़ाई होते होते बच गई लिटरली। यार ये लमार भी कुछ ज़्यादा बोलता है। बाकी यार लेस्टर बंदा सही है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे यहाँ पर बताया, एक अंडरवाटर माफिया पर लॉस सैंटोस में। ये रात जब उसने 12 बजे के बाद दोस्तों यहाँ पर किसी को कॉल किया तो उससे यही पता चलता है कि वो जो भाई लॉस सैंटोस के अंदर ही है। अब लॉस सैंटोस के अंदर दोस्तों कहाँ पर है वो मुझे पता करना पड़ेगा। खैर गाइज ये तो एक लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है? और इस लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मुझे यहाँ पर करना चाहिए शुरुआत। जो बाकी यार कोई बंदा भी तो ऐसा नहीं है ना जो हमें उसके बारे में बता सके। गाइज यहाँ पर माइकल दादा हैं, पर दोस्तों माइकल दादा जब से प्रेसिडेंट बन चुके हैं हम उनको यहाँ पर दोस्तों कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है ना? ना ही मैं माइकल दादा को दोस्तों यहाँ पर कुछ बता सकता हूँ। अगर मैं इस चीज़ के बारे में माइकल दादा को कुछ ही बताऊँगा ना तो भाई माइकल दादा एकदम भड़क जाएंगे। वो माइकल दादा पहले ही बोलेंगे मैंने सारे काम छोड़ दिए हैं, फ्रैंकलिन तू भी ये सारे के सारे काम छोड़ दे। मुझे पता है ना भाई माइकल दादा का दिमाग कैसा है। शिट यार मुझे गाइस समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर किसकी मदद लेनी चाहिए इस चीज़ के बीच में। कोई बंदा भी तो नहीं है यार। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपना दोस्तों भेस बदलना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए, और भेस बदलने के लिए मुझे सबसे पहले अपने घर पर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास घर पर एक बहुत ही अच्छा सामान है भेस बदलने के लिए, जिससे कि यहाँ पर कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले अपने घर पर चलते हैं दोस्तों और कुछ सामान वगैरह पहनते हैं ताकि भाई हम उसके घर में एंटर कर सकें, जो अंडरवाटर माफिया का घर है, अंडरवाटर माफिया का भाई जो भी घर है, ठीक है? वहाँ पर हम वो कर सकें। चलिए जल्दी से मैं अपने घर पर चलता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह चेंज करने होंगे दोस्तों। और राइट गाइस, तो फिलहाल हम जस्ट पहुँचने वाले हैं भाई अपने घर पर। अरे आंटी जी साइड होकर चला लो ना अपनी गाड़ी को। तो गाइस जो अंडरवाटर माफिया का घर है वो बताया जा रहा है कि मुझे तो खैर नहीं पता था पहले भाई यहाँ पर कोई ऐसा घर भी है, क्योंकि इस इलाके में मैं नहीं गया हूँ। लमार को दोस्तों पता है, क्योंकि लमार यार यहाँ पर ऐसे ऐसे बंदों के साथ दोस्तों यहाँ पर घूमता ही रहता है, तो भाई लमार को हर चीज़ का पता है। चलो कोई नहीं, बाकी मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ दोस्तों अपने इस वाले घर पर, ठीक है ना? आ जाओ। चलो यार लमार मुझे अपने कुछ कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, आ जाओ चल जल्दी से। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले अपने कपड़े वपड़े यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। हे चॉप कैसा है दोस्तों, मैं चॉप के पास बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। हे चॉप कैसा है मेरा बाबू छोटा सा, आ जाओ चल। लमार जरा तू देखिए भाई चॉप को, मैं ज़रा कपड़े चेंज करके आता हूँ।
उसका खेलने का मन हो रहा है यार लमार, उसको खाना वाना दे दे, पेडिग्री दे दे। तो गाइस चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार उसके घर में मुझे यहाँ पर कोई पहचाने और फालतू में भाई मेरी फाइट वाइट हो जाए किसी ना किसी बंदे से। तुम्हें पता है फिर भाई तुम्हारा भाई यहाँ पर किसी को छोड़ता नहीं है। चलो आ जाओ, आउटफिट ये नहीं पहननी है, ये नहीं पहननी है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये पहननी है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैसा लग रहा हूँ बे, अब बता मैं कैसा लग रहा हूँ, आ जा बाहर आ। तो गाइस यार अब मैं ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा हूँ, बाकी अब आप सभी लोग यहाँ पर देख लो, देख रहे हो मैं बिल्कुल उसके घर में जाने के लिए ना एकदम तैयार हूँ। तू बता, बिल्कुल तैयार हूँ गाइस मैं उसके घर पर जाने के लिए बिल्कुल। बाकी मैं अपने चॉप से मिल लेता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने चॉप के साथ थोड़ा सा भी यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था बट बहुत टाइम हो गया, हम दोनों ने एक साथ ज़रा सा भी टाइम स्पेंड नहीं किया है। ए चॉप आ जा, आजा चॉप, अबे पीछे हो जा तू, आजा चॉप, आजा आजा। बाकी चॉप के साथ दोस्तों हल्का सा खेल लेता हूँ है ना, आजा चॉप जा लेकर आ, जा लेकर आ। दोस्तों चॉप ना खेलता बहुत ज्यादा है, इसको खेलने का दोस्तों इसका बहुत मन करता है। देखो बॉल उठा कर ले आएगा अपने मुंह में, ले आ चॉप, ले आ ले आ ले आ ले आ, चल जा, ए 3 2 1 जा लेकर आ। ऐसे इसका खेलने का मन दोस्तों बहुत होता है भाई चॉप का, तो इसीलिए मैं कभी ना कभी दोस्तों इसके साथ खेल ही लेता हूँ। चल चॉप अब बहुत हो गया, चलो जाओ बंदा, चलो बहुत खेल लिए। ओ भाई सही है, चलो आ भाई लमारा तू गाड़ी में बैठ, चॉप बहुत हो गया चॉप। अबे चॉप तू भी चलेगा क्या, तेरी तो बैठने की मेरे बाबू जगह भी नहीं है, छोड़ रहने दे, गोदी में बैठेगा देख इसकी। हाँ कहाँ को बाहर को बैठा है चॉप, जा घर चला जा चॉप, घर चला जा। बाकी यार दोस्तों इसको एक बार नीचे छोड़ के आता हूँ, अबे साइड हो तू, आजा आया चॉप जल्दी आ, गए इसको छोड़ना पड़ेगा मुझे। चलो आ जाओ। बाकी दोस्तों मैंने चॉप को छोड़ दिया, वरना भाई तुम्हें पता है चॉप ना बिल्कुल साथ जाता है यहाँ पर और मेरा बिल्कुल भी पीछा ना छोड़ता, क्योंकि चॉप को भाई मुझसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार है। तो चल बता भाई अब घर किधर है उसका। तो गाइस दरवाज़ा तो बंद कर दे होमी ये होमी ने भाई दरवाज़ा खोल रखा है, होमी होमी भाई बहुत ख़तरनाक है। हे होमी ऐसा बहुत करता भाई लमार जो है, ऐसे बहुत करता है। चलो अब जल्दी से दोस्तों उसके घर चलते हैं। हाँ भाई बता लमार किधर को है। एक तो गाइस नेविगेशन के हिसाब से भाई गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर ले होमी के लगते, तो मेरे ख्याल से दोस्तों हमें जो है अगले मोड़ से लेना है लमार के मुताबिक, ठीक है। ये वाला मोड़ दोस्तों जाता है, मैं इधर का इंडिकेटर दे देता हूँ पहले ही, ये वाला रास्ता ही जाता है, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया, ये वाला रास्ता ही जाता है दोस्तों अंडर वाटर माफिया के घर की ओर। चलो जल्दी से। और राइट गाइस, तो यार यहाँ पर जो है भाई जो लमार है भाई वो वहाँ पर जो है सुसु करने गया है, और उसने बोला है कि भाई जा अब यहाँ से, तेरा ही रास्ता है, मैं आगे नहीं जाने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी भी ऐसी भसूड़ी में नहीं फंसता हूँ, तो अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ी करके चला जा। और राइट चलिए, तो गाइज़ मैंने अपनी थार को जो है यहीं पर खड़ी कर दी है, बाकी जो वो लमार है वो आगे नहीं जाना चाहता मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है भाई मैं ही चला जाऊँगा, आगे जाने के लिए मुझे यहाँ पर एक कार की ज़रूरत होने वाली है जो कि मुझे गाइज़ यहीं से चुरानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में तो नहीं जाने वाला, जाहिर सी बात है भाई। आ रही है गाड़ी, चलो इसको शक्ल तो याद नहीं होगी मेरी। अच्छा चल बेटा गाड़ी दे दे मुझे, गाड़ी चाहिए मुझे। Nobody needs to get hurt, all right? चल तेरी ऐसी तैसी। You asshole. अच्छा? Damn. Guys, क्योंकि ये जो बंदा है ना, oh, no. तेरी ऐसी तैसी। हट, गाड़ी चलाएगा ये, नेता बना दूंगा तेरा भी, नेता बना दूंगा तेरा भी। चलो तो गाइस अभी काली गाड़ी है सही है, इसको लेकर चलते हैं हम अपना आराम से। चलिए और राइट गाइस, तो हम आ चुके हैं भाई लोकेशन पर। तो भाई ये है अंडर वाटर माफिया का बेस, ओह माय गॉड गाइस ये तो पानी पानी भरा हुआ है भाई। चलो 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 आराम से, ओ भाई साहब गाइस ये तो पानी पानी भरा हुआ है।
एक बार पहले मैं ना बाहर से देख कर आता हूँ क्या है क्या नहीं, सामने से घुस सकता हूँ नहीं घुस सकता। नहीं, गाड़ी को कोने में को लगाता हूँ। चलो 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 चलो, आराम से, काफी आराम से जाना है। मैं ना जस्ट एक बार सामने से देखना चाहता हूँ कि कमाई कुछ है या नहीं है वहां पर। ठीक है, झाड़ियों में देख। ओ माय गॉड, आराम से। ओ गाइस, जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं भाई, इनका जो बिजनेस है अंडर वाटर माफिया का, वो बालाज गैंग के साथ है। आप ऊपर भाई बालाज को देख पा रहे हो भाई, बालाज गैंग भी यहाँ पर जो है अंडर वाटर माफिया के साथ भाई मिली हुई है बालाज गैंग भी। ओ भाई साहब यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस मामला हो रहा है। बाकी गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे, लगता है गाइस पार्टी वार्टी चल रही है कुछ। अंडर वाटर जा सकता हूँ क्या मैं? पार्टी चल रही है वहाँ पर, मुझे देखना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ पार्टी वार्टी चल रही दोस्तों, कुछ देख रहे हो? बाकी प्लेन खड़ा है, ऊपर भी बंदे हैं भाई, यहाँ पर भी बंदे हैं भाई, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं दोस्तों, देख लो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, पीछे भी भाई सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और इधर उधर भी हैं क्या यार? इधर उधर नहीं है। और राइट, तो गाइज नीचे यहाँ से तो फ्रंट से तो नामुमकिन है जाना, बिल्कुल भी नहीं जा सकते भाई फ्रंट से तो। भाई मुझे देखना ले, मैं पीछे से कूदता हुआ भागता हुआ जाता हूँ, अगर इन्होंने देख लिया तो फालतू में भसूड़ी पड़ जाएगी। तो गाइस गाड़ी जो है, लगता है भाई गाड़ी भी कोई उठा कर ले गया, वो जिसकी गाड़ी थी मुझे लग रहा है वो उठा कर ले गया यहाँ से, छोड़ो। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे यहाँ से पानी के अंदर से चलना चाहिए, अगर मैं पानी के अंदर से जा पाया तो भाई ज़्यादा सही रहेगा, है ना? दिख तो नहीं रहा मैं किसी को, ऑल राइट। सही है। तो गाइज यार यहाँ पर ना पता नहीं मुझे क्या ही चीज़ है भाई, बना रखा है क्या कुछ? ओ भाई साहब दोस्तों देखो यहाँ पर बंदे हैं भाई, भाई वो तो देख लेंगे, पैसा वैसा रखा है। नीचे चलता हूँ, नीचे को चलता हूँ, नीचे को। भाई साहब आप गाड़ियाँ देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी सारी खड़ी हैं, पर बात तो ये है ना मैं अंदर नहीं जा सकता। ओ भाई यहाँ चलो, ओ भाई इधर को चलो, इधर को चलो, चलो मुझे ना यहाँ पर दोस्तों बाहर ही चलना चाहिए। यहाँ पर बंदा भी देख रहा है। खैर पानी के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो फिर उधर से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता है ही नहीं ना, मेन बात तो ये है। मुझे अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, फ्रंट से देखता हूँ मैं कुछ रास्ता वस्ता है क्या। मुझे गाइस एक बार ड्रोन उड़ाना चाहिए, 3 2 1। तो गाइस ये ड्रोन उड़ चुका है, मैं ड्रोन को आगे लेकर जाता हूँ। ऑल राइट, तो गाइस ये है पूरा का पूरा अंडर वाटर माफिया का घर। बाकी अंडर वाटर इसको इसलिए कहता है क्योंकि इसका जो घर है पानी के अंदर बना हुआ है। ऑल राइट, तो गाइज यहाँ पर इसका एयरपोर्ट भी है, सही है भाई। तो अगर मैं किसी तरह जाऊँ तो मैं इसके एयरपोर्ट में घुस सकता हूँ, हाँ यहाँ पर मैं घुस सकता हूँ भाई अंदर, वरना यहाँ से तो जाने का रास्ता है ही नहीं भाई कहीं से भी। चलो मैं अपने ड्रोन को गाइज वापस बुला लेता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ पर पूछते हैं कि आरिश भाई आप ये जो ड्रोन उड़ाते हो आपके पास कौन सा ड्रोन है, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सा ड्रोन। ऑलराइट गाइस, तो यार ये रहा मेरा दोस्तों ड्रोन जो कि यहाँ मैं यहाँ पर उड़ाता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, ये वाला ड्रोन है जिससे कि मैं यहाँ के सारे सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लेता हूँ, एकदम इसे उड़ा देता हूँ और इसे ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी भाई मैंने बहुत मुश्किल से इसको चोरी किया था, कह रही काम आता रहता है भाई ऐसी ऐसी चीज़ों में, ये काम आता है दोस्तों। मेरा ड्रोन ये रहा दोस्तों ड्रोन जिससे कि मैं सारे के सारे शॉट्स वगैरह लेता हूँ। यार मेरे बहुत सारे भाई कहते हैं आज भाई आप ड्रोन तो उड़ा देते हो बट हमने आज तक आपका ड्रोन नहीं देखा है, तो गाइज ये है मेरा ड्रोन। तो चलिए गाइज अब ना ड्रोन को तो यार मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, ड्रोन तो उड़ता रहेगा, ये LSPD वालों वाला ड्रोन है मेरे पास, छोटे ड्रोन भी हैं। एक गाड़ी चोरी करता हूँ पहले तो, गाड़ी दे बे। बाकी दोस्तों ड्रोन यहाँ पर खुद ही बैठ जाएगा, मैं इसको उठा लूँगा बाद में आकर। चलो जल्दी चलते हैं, मुझे ना सामने जाना है गाइज। चलो
चलो, क्योंकि इस तरफ ना बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। मुझे डगन बॉस के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। इस वाले एरिया में अगर मैं इन पत्थरों के ऊपर से कूदता कूदता वहाँ तक चला जाऊँ ना, तो मैं वहाँ से जंप मार सकता हूँ। ठीक है, ओए ओए आए अबे यार, शिट 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 शिट, यही तो होना था। बट मैं उधर से भी भाग सकता हूँ भाई, उधर से भी जा सकता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ से भी तो जा ही सकता हूँ मैं। बाकी आप पानी देख पा रहे हो भाई, पूरा का पूरा पानी भरा पड़ा है इस पर। चलो अबे फ्रैंकलिन, अपना माथा मत फोड़ो मेरे भाई। चल चल चल, शिट अबे यार, ये लग गया माथा, फूट गया दोस्तों फिर से बे तेरी। चलो यार गाइज, मुझे ना थोड़ा सा इधर से चलना चाहिए। हाँ चलो, अपना फ्रैंकलिन दोस्तों चल तो बिल्कुल ठीक रहा है। पता नहीं भाई अंडर वाटर माफिया ने किसके घर के आगे भी पत्थर बिछवा रखे बेचारे किसी बंदे के। बंदा कोई कुछ कह भी नहीं सकता भाई, इसको इतना अमीर है बंदा। बाकी गाइज मिल गया रास्ता, देख रहे हो, चढ़ गया चढ़ गया, आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। चलो चलो चलो, ओ इतनी मुशक्कत के बाद दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हमें घर में एंट्री तो मिल गई। चलो यार, बंदा बंदा ना भाई कोई, तो पता चले बंदा और मुझे सुझा दें, देख लूँगा भाई एक बार। भाई ये पानी के अंदर का सीन कैसा है दोस्तों, हैं सबमरीन भी है इसके पास तो। एक बंदा 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 बंदा, मेरे पास पिस्टल निकालता हूँ वाली। हाँ वैसे यार मुझे बंदे मारने नहीं है, मैं स्टन गन से स्टन करूँगा ना उन्हें। मारने नहीं यार, मैं मारने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पर बंदों को, मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि यहाँ पर अंडर वाटर माफिया है या नहीं है। ओ मत चिल्ला मत चिल्ला मत चिल्ला, गोली चल गई है, था क्या कोई यहाँ पर? भाई मुझे लगता है अलर्ट हो गए, अलर्ट हो चुके हैं क्या? शायद 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 शायद, तेरी ऐसी तैसी, तेरी ऐसी तैसी। बाकी गाइज बहुत बड़ा बेस है, मुझे नहीं पता आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ऊपर चलना है। बाकी यहाँ पर गाड़ियाँ देख लो कितनी सारी खड़ी हैं दोस्तों, यहीं पर एक फ्लाइट जाती है मेरे ख्याल से। मैंने यहाँ पर नीचे से तो भाई इनको कर दिया, टन टन आटन हो चुका है इनका। चलो वो ऊपर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों ऊपर जाकर क्या सीन है। खुल जा, अंडर वाटर माफिया है भी या नहीं है? दो बंदे थे नहीं गाइस, नहीं ये बंदे वैसे ही खड़े हुए डील कर रहे हैं भाई। पार्टी वगैरह भी वैसे ही चल रही है यार, शिट ये तो मैं ही पागल हूँ भाई जो मैं देख रहा था। अब ना मुझे यहाँ से पानी में कूदना चाहिए। चलो ओ भाई मछली मरी पड़ी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अबे चल ना इधर को, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, चल उधर को, चल 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 चल। मैं गाइस यहाँ से मैंने एंट्री तो कर ली थी, क्योंकि उस वाले इलाके में देख लेते ना मुझे। मुझे इधर से चलना चाहिए, इधर से चलता हूँ मैं, इधर इधर से आराम आराम से पीछे से चलता हूँ। यहाँ को दिख रहा है क्या कोई? दिख तो नहीं रहा, चलते इधर को आराम आराम से दोस्तों। पीछे की साइड को चलना है मुझे, वहाँ से उसको बचाने के बाद जहाँ पर वो पैसा रखा है ना
वहां को जाना है मुझे, बस मुझे कोई देख ना पाए दोस्त। लिए तो गाइस मैं नीचे को चलता हूँ एक बार, मुझे ना बस वहां पर पता लगाना है कि वहां पर अंडर वाटर माफिया एक बार बस मुझे दिख जाना है कि वो यहीं पर था। मेरी सारी की सारी परेशानियां दोस्त यहाँ पर दूर हो जाएंगी। ओ ओ ओ ओ माय गॉड, अबे दिखना चाहिए फ्रैंकलिन तू। चल 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 फ्रैंकलिन भाई, इनका पानी थोड़ा अजीब सा है। ऊपर को चलना है, मैं यहाँ को तो जा नहीं सकता भाई, ऊपर को चलना होगा भाई। इनके यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है दोस्तों। ओह माय गॉड भाई, पूरा दोस्तों अंडर वाटर माफिया। भाई अगर उसने मुझे देख लेना वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, पर भाई वो अंडर वाटर माफिया ही है, वो अंडर वाटर माफिया है। देखो दोस्तों वो रहा दिख रहा है ना, वो रहा। चलो जल्दी से चलती, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चल जल्दी 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 जल्दी। फाइनली दोस्तों मैंने देख लिया भाई, वो अंडर वाटर माफिया ही है, वो अंडर वाटर माफिया ही है। तो भाई ये इसके अगर मैं पास जाता हूँ ना तो भाई अलग सी चीज़ें होती हैं, करंट सा होता है और अजीब सा भाई वो लगता है। मैं इन चीज़ों के पास भी तो नहीं जा सकता कि भाई मैं यहाँ पर कुछ चुरा वुरा लूँ, नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता। चलिए मुझे गाइस यहाँ पर सबसे पहले निकलना चाहिए यहाँ से बाहर, फटाफट यहाँ से बाहर निकलता हूँ। भाई कोई बंदा पानी में तैर भी रहा है लगता, भाई इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं के बंदे हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए भाई सबसे पहले तो। चलो चलो चल 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 फ्रैंकलिन। ओ भाई मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, चलो यहाँ से चलो यार जल्दी से गाइज यहाँ से मैं कूदता हूँ। एंड दोस्तों यार आज मैंने देखा यार यहाँ पर सबसे पहली बार कि जो भाई अंडर वाटर माफिया है दोस्तों वो तो अपने घर पर ही है। भाई मुझे यहाँ पर गलत फहमी हो रखी थी कि वो भाई अपने घर पर नहीं होगा। सबसे पहले भाई मुझे यहाँ से कूदना चाहिए इससे पहले कि मुझे देख ले आराम से। मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, आराम आराम से नीचे आऊँगा। चलो चलो देख रहा हूँ भाई इसका घर कैसी जगह पर बना हुआ। भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ इसने किसी के घर पर दोस्तों यहाँ पर कब्जा भी कर रखा है। भाई किसी के घर पे इनने कब्जा भी कर रखा है, देख रहा हूँ भाई कैसे कैसे इनने कब्जे कर रखे हैं किसी के दूसरे इंसान के घर पर। बाकी दोस्तों कोई नहीं, तो राइट गाइज यार यहाँ पर जो भाई मैं है लमार को उसके घर पर छोड़कर आ गया हूँ। और भाई लमार और उसकी लेस्टर की मदद से दोस्तों मैं यहाँ पर भाई फाइनली अंडर वाटर जो भाई माफिया उसका पता लगा पाया दोस्तों। अब मुझे यहाँ पर कल भाई जो है जाना है दोस्तों डगन बॉस के यहाँ पर, और भाई डगन बॉस के घर पर जाकर कल मुझे उसको बताना होगा कि जो अंडर वाटर माफिया है दोस्तों उसका यहाँ पर पता लग चुका है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को यहाँ पर लाइक ज़रूर करना एंड ऑब्वियसली यार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे जिगर के चलो आपने शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। देखो दोस्तों आप एक बार बेल आइकन दबाओगे ना, और जिस मेरे भाई ने देखो सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बार बेल आइकन दबा दो, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि लोगों बागों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहे हैं, तो भाई मेक श्योर कि आप ये सब बटन वगैरह दबा दो तो आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह सभी मिल सकें, ठीक है। बाकी यार मैं मिलता हूँ आप सभी से लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।